भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता पद से रिटायर होने जा रहे एमएसके प्रसाद ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करने के दौरान बड़ी बात कही है। धोनी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि धोनी ने सब कुछ हासिल कर लिया है और लेकिन चयनकर्ता अब भी उनकी जगह लेने वाले युवा की तलाश कर रहे हैं। प्रसाद ने साफ कहा कि जब तक हमारा सवाल है हम युवाओं का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से जमने और लंबे समय तक खेलने के लिए जितना संभव हो उतने मौके दे रहे हैं। धोनी को लेकर एमएसके प्रसाद ने भी कहा कि माही अपने लिए खुद फैसला करेंगे। पैनल के सदस्य के तौर पर अगर मैं अपनी ड्यूटी को अलग रख दूं तो मैं किसी और की ही तरह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं। प्रसाद ने भी कहा कि मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी ने सब कुछ हासिल किया है। 2 वर्ल्ड कप जीत, चैंपियंस ट्रॉफी जीत, टेस्ट में नंबर 1 का दर्जा, कोई धोनी की कप्तानी पर सवाल नहीं उठा सकता। धोनी अपने करियर के बारे में खुद फैसला करेंगे। एक चयनकर्ता के तौर पर हमारा कर्तव्य आगे बढ़ना और अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें मौका देना है। आपको बता दें कि धोनी भारत के लिए आखिरी बार जुलाई 2019 में विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे जिसमें भारत को शिकस्त मिली थी। इसके बाद से ये स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मैदान से दूर है। धोनी की जगह इस दौरान कई विकेटकीपर खिलाड़ियों को आजमाया गया। इन खिलाड़ियों में पंत, संजू और केएल राहुल का मुख्य नाम है। इस समय तो देखें तो सीमित ओवरों में क्रिकेट में केएल राहुल भारतीय टीम के मुख्य विकेटकीपर हैं। वहीं अब क्या महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और BCCI के सालाना अनुबंध में जगह नहीं मिलने के बाद से उनके संन्यास को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।